सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत है आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल में फंक्शन स्टार्ट करेंगे और एक्सेल में आपका 5 टाइप का फंक्शन होता है, जिसमें कि सबसे पहला आपका मैथमेटिकल फंक्शन, दूसरा आपका टेक्सुअल फंक्शन, तीसरा आपका लॉजिकल फंक्शन, चौथा आपका स्टैटिकल फंक्शन और लास्ट पांचवा आपका डेट और टाइम फंक्शन। तो ये पांचों फंक्शन को हम लोग एक एक करके सीखेंगे और आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिकल फंक्शन को सीखेंगे और ये अभी बेसिक लेवल का होगा, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ। एडवांस लेवल का हम लोग आगे सीखेंगे जब बेसिक लेवल को कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग एक्सेल ओपन कर लेंगे। एक्सेल ओपन कर लेने के बाद सबसे पहले आपको एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करना है। अगर ऑलरेडी आपका वर्कबुक क्रिएट किया हुआ है, पहले से सेव है, उसी में आपको काम करना है, तो आप रिसेंट से उसको ओपन भी कर सकते हैं। सिंगल क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। एक नया सीट ले लेते हैं हम लोग इसमें और न्यू सीट के थ्रू हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग देखते हैं कि ये मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं, तो एक हेडिंग लगाते हैं हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल फंक्शन। मार्जिन सेंटर कर लेंगे इसके लिए हम लोग। तो ये हम लोग का हेडिंग लग चुका है मैथमेटिकल फंक्शन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम लोग का सम फंक्शन। सम फंक्शन का यूज होता है क्या? जोड़ने के लिए। यानी अगर आपको प्लस करना है, यानी जोड़ना है आपस में दो वैल्यू को या मल्टीपल वैल्यू को, तो उसके लिए सम फंक्शन का यूज होता है। तो इसका हम लोग यूज करेंगे कैसे? सबसे पहले इक्वल टू देंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है सम। सम के थ्रू आप दो वैल्यू, तीन वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू भी जोड़ सकते हैं। इसके लिए आप वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, या आप सेल एड्रेस का भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आप देखे थे, हम लोग एक छोटा सा बिल बनाने के लिए सीखे थे और उसमें जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, D2 क्लोन D8 दिया था। यानी ये आप जो ब्लू वाला सर्कल देख रहे हैं, इसके अंदर जितना भी वैल्यू होगा ये टोटल को जोड़ देगा। ये आप देखे होंगे, ये आप पिछले क्लास में देखे थे। अभी हम लोग सिर्फ फंक्शन सीख रहे हैं, यानी उसका यूज कैसे करते हैं उसके बारे में सीख रहे हैं, यानी उसका यूज क्या होता है कौन से फंक्शन का। जैसे कि अभी सम दिए, यहाँ पर हम लोग जैसे 50,70 टाइप किए, तो ये हम लोग का रिजल्ट देगा दोनों वैल्यू को जोड़ के, यानी 50 और 70 आपका 120 हो गया। अब अगला फंक्शन हम लोग का रोमन। रोमन समझते हैं जैसे कि आपका एक न्यूमरिक होता है यानी नंबर वाला वैल्यू, और दूसरा आपका रोमन वाला होता है। अगर आपको रोमन में लिखना है नंबर, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है एक्सेल में रोमन नाम से। यहाँ पर आपको टाइप करना है रोमन, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे अभी हम लोग 10 लिखे, ब्रैकेट बंद, इंटर। रोमन में देख सकते हैं आप 10, ये एक्स के टाइप का लिखते हैं हम लोग, सेम उसी तरह आ गया। दूसरा भी हम लोग ट्राई करते हैं, रोमन 15, ब्रैकेट बंद, इंटर। ये आप देख सकते हैं 10 और 5 आ गया 15। यानी अगर आपको रोमन में लिखना है तो वो आप यूज कर सकते हैं रोमन फंक्शन। अगला हम लोग का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यूज होता है क्या? गुना करने के लिए। प्रोडक्ट फंक्शन, ब्रैकेट स्टार्ट किया, आप नीचे में देख सकते हैं फंक्शन फ्लैश भी कर रहा है। अगर आपका फंक्शन फ्लैश कर रहा है, मतलब आपका जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसका स्पेलिंग सही है। अगर आप स्पेलिंग में कुछ भी मिस्टेक करते हैं तो नीचे में फंक्शन आपका फ्लैश नहीं करेगा। ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब यहाँ पर हम लोग देते हैं जैसे
20.3.5 यानी 20.3.5 यानी इसको गुना करेगा, तो करेगा क्या 20.3, तो ये आपका हो जाएगा 20×3 यानी 20 × 60 और 60×5=300 यानी 6×5=30, ये आपका रिजल्ट दे दिया 300। अब अगला आपका इज इक्वल टू मोड फंक्शन। मोड मींस एक्सेल में होता है सेस, यानी जो भी वैल्यू सेस बचेगा वो आपको रिजल्ट देगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं 32.5 यानी 32 में अगर 5 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा आपका, 32 पूरा का पूरा 5 से नहीं कटेगा, 31 भी नहीं कटेगा, लेकिन 30 कट जाएगा, 6×5=30 यानी शेष हम लोग का 2 बच रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट हम लोग को 2 देगा। इज इक्वल टू अगला फंक्शन हम लोग का पाए। पाए समझते हैं, पाए ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, इंटर कर देंगे तो पाए का जो भी वैल्यू होता है पॉइंट में यहाँ पर देगा, ये पाए का ये वैल्यू दे दिया हम लोग को। अब अगला हम लोग का एबीएस फंक्शन। एबीएस फंक्शन करता है क्या, ये निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में देता है। जैसे यहाँ पर हम लोग -88 कुछ भी दे दिए, अब इंटर किए तो उसका माइनस ये हटा देता है। अब अगला हम लोग का इंट यानी इंटीजर। इंटीजर और डेसिमल आप समझते होंगे, जैसे एक एग्जांपल के लिए 10.30 रुपया लिखे यानी 10.30, तो इसमें ये 10 आपका हो गया इंटीजर वैल्यू, और ये जो आप देख रहे हैं 30 पैसा यानी 30 ये आपका हो गया डेसिमल वैल्यू। तो अगर हम लोग इंटीजर फंक्शन का यूज करते हैं तो ये दिए हुए वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ इंटीजर को ही दर्शाएगा यानी दिखाएगा। INT ब्रैकेट स्टार्ट किए 10.49 ब्रैकेट बंद इंटर, या आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपका 10 रुपया ही रिजल्ट दिया। अब अगला हम लोग का स्क्वायर, जैसे SQRT ये फंक्शन हुआ और हमको 81 का स्क्वायर जानना है, यानी 81 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका रिजल्ट दे देगा 9 यानी 9×81। उसी तरह S इज इक्वल टू SQRT ब्रैकेट स्टार्ट किए 225 किसका स्क्वायर है, इंटर किए तो यहाँ पर रिजल्ट दे दिया हम लोग को 15 यानी 225 15 का स्क्वायर है। अब अगला हम लोग का सेलिंग, CEILING सेलिंग ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब इसमें होता है क्या, जैसे यहाँ पर 51.5 दिए, तो ये करता है क्या सेलिंग फंक्शन काम, ठीक 51 के बाद कौन सा ऐसा अंक है जो 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। 51 तो नहीं कटेगा, 52 भी नहीं, 53 भी नहीं, 54 भी नहीं, लेकिन 55 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट देगा ये 55। ये आपका सेलिंग फंक्शन हुआ। इज इक्वल टू अगला हम लोग का पावर, इज इक्वल टू पावर फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट किए और इसमें हम लोग देखते हैं 5.5 ब्रैकेट बंद इंटर, यानी 5 को 5 बार गुना करेगा, इज इक्वल टू देखिए 3125 आ गया। अब ये कैसे आया मैं आपको ये करके दिखाता हूँ एक बार। इज इक्वल टू 5×5 किए, ये कितना आ गया 25, यानी अभी तक हम लोग 2×5 का यूज किए हैं, फिर हम लोग इज इक्वल टू 25×5 करते हैं, ये आपका हो गया 3×5 का यूज, फिर हम लोग इज इक्वल टू 125 आया रिजल्ट, 5×5 किए इंटर, ये आपका हो गया 625 यानी 2×3×4×5 का यूज हम लोग कर चुके हैं। अब लास्ट बचा है इज इक्वल टू 625×5 इंटर, देख सकते हैं आप 3150 आ गया, यानी 5 को 5 बार ये गुना किया पावर। अगला फंक्शन है हम लोग का फैक्ट यानी फैक्टोरियल। आप स्टार्टिंग में यानी बचपन में ही मैथ में पढ़े होंगे फैक्टोरियल, इज इक्वल टू फैक्ट, जैसे 5 का हमको फैक्टोरियल निकालना है,
तो 5 का फैक्टोरियल निकालेगा क्या, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 5 × 20, 20 × 60 और 60 × 2 = 120। इसका रिजल्ट आपका 120 आया। ये मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये इस तरह से रिजल्ट दिया 120। क्लियर। अब अगला हम लोग का ऑड फंक्शन इज इक्वल टू odd ऑड। जैसे ऑड दिए और यहाँ पर हम लोग 32 दे दिए, तो 32 के बाद, ठीक 32 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, तो ऑब्वियसली है कि 32 है तो उसके बाद 33 ही आएगा, इंटर। ये आपको ऑड नंबर दिखाता है ठीक उसके बाद। अब अगला हम लोग का इसमें राउंड फंक्शन। राउंड मतलब राउंड फिगर सुने होंगे, जैसे कि आप लोग कभी मार्केटिंग भी करने जाते हैं, अगर किसी चीज़ का प्राइस आपको 1050 बताया, आप उस टाइम दुकानदार को बोलते हैं छोड़िए राउंड में लीजिए, मतलब राउंड फिगर कर दीजिए, यानी पूरा का पूरा आप 1000 रुपया ले लीजिए, यानी आपके अनुसार पूरा का पूरा 1000 रुपया होगा। और अगर दुकानदार बोला तो उसके अनुसार भी आपका 1000 रुपया होगा, अगर कम किया तो। तो यहाँ पर हम लोग राउंड फंक्शन का यूज करेंगे, यानी राउंड फिगर इज इक्वल टू राउंड, ROUND, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किए। अब यहाँ पर हम लोग जैसे दे दिए 20 पॉइंट, यानी 20 रुपया 73 पैसा, comma 1। ये 1 का मतलब हुआ कि डेसिमल प्लेस हमको एक अंक में लेना है। अब अगर आप खुद सोचिएगा कि ये डेसिमल प्लेस यानी 73 पैसा, इसको आप एक अंक में नहीं लिख सकते, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 70 पैसा है तो उसको आप एक अंक में दर्शा सकते हैं सिर्फ 7 देखे। अगर ठीक उसी तरह आपका 80 पैसा है तो आप सिर्फ पॉइंट के बाद 8 लिख के 80 पैसा दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका 73 एक अंक में नहीं लिखा जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर आपको रिजल्ट दे देगा 20.7, यानी 20 रुपया 70 पैसा। 70 पैसा ही इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पर आपका 75 पैसा पूरा नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर 75 या 76 पैसा होता तो यहाँ पर आपको रिजल्ट ये 20.8 देता। यहाँ आपका 75 पैसा से कम है, इसीलिए ये रिजल्ट आपको 20.7 देगा। ये देख सकते हैं आप 20.7। अगर आपको फार्मूला एडिट करना है तो एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में फार्मूला बार है, आप यहाँ पर से एडिट कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट उस सेल पे डबल क्लिक करेंगे जहाँ पर आप फार्मूला टाइप किए हैं, फास्ट में डबल क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, 75 पैसा दे देते हैं। अब इंटर किए, आप देख सकते हैं इस बार ये रिजल्ट दिया है 20.8, यानी 20 रुपया 80 पैसा। अगला हम लोग का इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट किए 20.20, यानी 20 रुपया 20 पैसा, कोमा देके हम लोग डेसिमल प्लेस 0 देते हैं, यानी हमको डेसिमल प्लेस लेना ही नहीं है, यानी हमको पैसा से कोई मतलब नहीं। अब इसमें हम लोग इंटर किए, ये आप देख सकते हैं रिजल्ट 20 दिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप 50 पैसा देते हैं तो ये रिजल्ट आपको 21 दे देगा। अगर आप 50 पैसा से नीचे रखते हैं, यानी 49 रखते हैं, तो रिजल्ट आपको ये 20 ही देगा, लेकिन जैसे ही 50 पैसा या 50 पैसा से ऊपर हुआ ये रिजल्ट में चेंजिंग कर देगा, यानी 50 पैसा और बढ़ा देगा, यानी राउंड फिगर में ये रखेगा, यानी कम नहीं लेगा ये। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन आज कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेक्सुअल फंक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैथमेटिकल फंक्शन टोटल समझ में आया होगा। अगर इसमें से किसी एक फंक्शन में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।